नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा, इंस्पायर टू हिंदी से। और जैसे कि आपको याद होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मोटो वन विजन के बारे में। ये जो फोन है, इसकी हम एक बहुत ही तड़कती भड़कती अनबॉक्सिंग पहले कर चुके हैं। आपको बिल्ड और डिजाइन के बारे में बता चुका हूं, कुछ फीचर्स के बारे में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम इस फोन का पूरा धागा खोल देंगे और सब कुछ आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या बढ़िया है, क्या बेकार है, और क्या ये फोन 19,999 रुपए पे लेने लायक है कि नहीं। तो दोस्तों, बिल्ड और डिजाइन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बट एक बार थोड़ा सा समराइज करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो इन हैंड एक्सपीरियंस है इस फोन का वो काफी बढ़िया है। ये एक लंबा सा फोन है, 21:9 सिनेमैटिक डिस्प्ले वाला है और काफी हैंडी सा फोन है। और मतलब ऐसा नहीं लगता कि इसको फोन को हाथ में उठा के कि यार ये बहुत ज्यादा भारी है या एज सच उस तरह से नहीं है। बट इस फोन के बैक पे जो कैमरा सेंसर दे रखा है वो काफी उठा हुआ है, तो अगर आप फ्लैट सरफेस पे इसको रख के यूज करेंगे तो फोन थोड़ा सा वॉबल करता है। तो वो एक इसके बारे में, बिल्ड और डिजाइन के बारे में एक ऐसी चीज है जो कि आपको शायद उतनी ज्यादा पसंद ना आए। पर्सनली मुझे काफ़ी हद तक ये सही लगा और वन हैंडेड यूज़ के लिए भी काफ़ी हद तक सही फ़ोन है ये। इसमें जो डिस्प्ले दी हुई है वो 21:9 एस्पेक्ट रेशो वाली 6.3 इंच की LTPS IPS LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। जो डिस्प्ले वो 100% कलर एक्यूरेट तो नहीं है, 464 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है इस पर, जो कि एक्सेप्टेबल है। और बाहर के कंडीशन में भी कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है। बैटरी लाइफ की मैं बात करूँ तो इसका एक वीक पॉइंट है और लास्ट में हम उसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। 3500 mAh की इसमें बैटरी दे रखी है जो 0-38% चार्ज हो जाती है 30 मिनट्स के अंदर अंदर। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा जो इसके डिस्प्ले में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे होल पंच है वो स्लाइटली बिग है बाकी फोन्स के मुकाबले। अब कई सारे आपने अन्य फोन देखे होंगे इस बीच में जो कि होल पंच नॉच के साथ आते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। थोड़ी सी लाइट ब्लीडिंग भी होती है कॉर्नर में उसकी वजह से, बट इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज जब भी आप गेम खेलेंगे तो आपका जो हाथ है वो फोन में होल पंच के ऊपर ही आ जाएगा और तब वो जो इशू एक बंदे को होती है कि वो अलग सा लग रहा हो वो आपको नहीं दिखाई देगी। वीडियोस देखते वक्त भी थोड़ा सा अलग सा नोटिस होता है, बट उतनी ज्यादा इश्यूज नहीं है यहाँ पे। एक अच्छी चीज उन्होंने ये करी कि फिंगरप्रिंट सेंसर को बैक में ही मोटो डिंपल के अंदर दे दिया और इसमें ड्यूल टोन LED फ्लैश है, एंड्रॉइड वन ब्रांडिंग है और ग्लास बैक है जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रखी है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर जो एक्साइनोस का 9609 चिपसेट है वो काफी हद तक बढ़िया है। बेंचमार्क पे तो वो सही गुड परफॉर्मेंस देता है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस देता है जितने भी बेंचमार्क स्कोर्स थे, और रीड राइट स्पीड भी इसकी अच्छी है बिकॉज इसके अंदर UFS स्टोरेज है। बट अगर मैं मेन बात करूं गेमिंग की, तो पबजी जैसी गेम को आप इस पे खेल सकते हैं HDR पे, अल्ट्रा फ्रेम पर सेकंड पे, अल्ट्रा FPS पे, और वो बहुत सारे इस प्राइस रेंज के तो किसी फोन में मैंने इतना ज्यादा FPS नहीं देखा जितना इसमें आ रहा था। तो वो एक इस कारण बहुत ही जबरदस्त चीज है। आप GTA San Andreas जैसी गेम को भी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे खेल सकते हैं बिना किसी लैग के। गेमिंग के मामले में मुझे बहुत ही जेन्युइन फोन लगा ये, और ये ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा था। इसके अंदर 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, और इसके अंदर की जो इंटरनल स्टोरेज है वो उतनी ज्यादा फास्ट तो नहीं है जितना कि मान लीजिए UFS की जो नए वाले वर्जन होते हैं वो होती है, बट फिर भी काफी हद तक फास्ट है। और ये बिल्कुल भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हीटअप ज्यादा हो रहा था, और बेंचमार्क स्कोर सही आ रहे थे इसके। और इसके अंदर आपको 101GB फ्री मिलता है 128GB में से जब आप पहली बार फोन को स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड एक्सपीरियंस की बात करूं तो एंड्रॉइड 1 के साथ आता है, यानी कि आपको 2 साल तक गारंटीड अपडेट्स मिलेंगे। वो एक पर्सनल मुझे ऐसे लगा कि अच्छी बात है कि यार 2 साल तक तो आपको गारंटीड अपडेट मिलेंगे, और सिक्योरिटी अपडेट भी 3 साल तक सिक्योरिटी पैचेस वगैरह मिलेंगे। बाकी मोटो को कितना टाइम लगता है वो इंप्लीमेंट करने में वो एक अलग बात है। स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस है, कुछ भी ज्यादा मोटो ने नहीं घुसाया यहाँ पे। कैमरा UI जो है वो बस थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने जो अपने जेस्चर्स होते हैं, चॉप चॉप वाला जेस्चर और ट्विस्ट वाला जेस्चर, वो सारे जो मोटो के एक्सक्लूसिव फीचर्स है वो इन्होंने इसमें डाल दिए, तो वो एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को पसंद आएगी। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 48MP के सैमसंग GM1F1.7 सेंसर के साथ आता है, OIS के साथ और PDAF के साथ। 5MP का डेप्थ सेंसर है इसके अंदर। डायनेमिक रेंज बहुत सही लगी मुझे इसकी, और एक्यूरेट कलर्स थे काफी हद तक। लो लाइट परफॉर्मेंस जो थी वो काफी बढ़िया, और नाइट मोड तो इसका काफी ज्यादा ग्रेट है एक मिड रेंज कैमरा फोन के हिसाब से। पोर्ट्रेट सेल्फीज में जो इसमें फोटोज आई थी वो काफी बढ़िया थी। इसके अंदर जी कैम जो आराम से चल जाएगा, और हंसी की बात ये है कि जो इंटरनल कैमरा ऐप है उसी से ली हुई सेल्फीज मुझे जी कैम लेवल की सेल्फीज लग रही थी, बिकॉज उसमें जो डिटेल और टेक्सचर वो उठा रहा था स्किन का वो काफी बढ़िया था। इसमें पिक्सल विनिंग हो रही होती है बैक पे, 48MP का वो एक्चुअली 12MP रेजोल्यूशन आउटपुट निकाल रहा है, और फ्रंट वाले कैमरा पे आपको 6MP का रेजोल्यूशन आउटपुट दे रहा है। जब आप वो यूज करेंगे तो थोड़ी आपकी मतलब जो 25MP का सेंसर है फ्रंट में वो आपको एक्चुअली में उतना ज्यादा पिक्सल्स में डिटेल नहीं दे रहा है, बट
लो लाइट में वो हेल्प करता है। और ऐसी बैक कैमरा को भी जब आप 48MP वाले सेंसर को पूरी तरीके से नहीं यूज कर रहे होंगे, जैसे कि अगर आप बाहर की लाइटिंग कंडीशन नहीं है और आप लो लाइट में है, तो आप 12MP की ही फोटो निकालेंगे, उसमें नॉइज रिडक्शन काफी बढ़िया है। अगर आप 25MP की फुल फ्लेज सेल्फी लेंगे तो 5 से 6 सेकंड लग जाएंगे उनको प्रोसेस होने में। और इसके अलावा 4K वीडियो 30FPS पे इस पे सपोर्टेड है OIS के साथ। शार्पनेस और डिटेल एवरेज लगी मुझे, बाकी सब बढ़िया लगा, कॉन्ट्रास्ट, कलर, डायनामिक रेंज वगैरह, और फुटेज का बिट रेट थोड़ा सा कम लगा। इस फोन के अंदर वाइड वाइन 11 का सपोर्ट है, सिंगल स्पीकर है बॉटम पे, बड़ो लाउड और एक्सीलेंट है। इसके अंदर हाइब्रिड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, यूएसबी ओटीजी का सपोर्ट है। 19,999 रुपए का फोन होने के बावजूद इसके अंदर एनएफसी और सारे सेंसर दे रखे हैं जो कि एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए चाहिए होते हैं। और इसका प्राइस जो है वो 19,999 है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरियंट के लिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसमें सब कुछ बढ़िया ही है तो खराब क्या है? इसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल भी ज्यादा नहीं टिकती है। 3500mAh बैटरी के साथ अगर आप एक हैवी यूजर है मेरी तरह, तो आपको 3 या 4 बजे तक ही मतलब ऐसा लगेगा अंदर से कि यार अब फोन चार्ज करना है। अगर आप इस पर ड्यूल सिम डाल के चला रहे होंगे तो आपकी बैटरी 4 से 5 बजे तक आपको ऐसा लगेगा कि अब टॉप अप करने का टाइम आ गया है। अगर आप एक नॉर्मल और एवरेज यूजर है तो आपके लिए काफी बढ़िया फोन हो सकता है, बट अगर आप एक बहुत ही हैवी यूजर है तो आपको ऐसा लगेगा कि दिन में यार एक बार तो चार्ज करना ही पड़ रहा है, और ऑल डे बैटरी लाइफ वाली फील नहीं आएगी अगर आप एक हैवी यूजर है तो। और इसके अलावा, और जो इसका थोड़ा सा बड़ा होल पंच है, इसके अलावा मुझे इस फोन में ज्यादा कमियां नहीं लगी। काफी बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है मोटोरोला ने काफी टाइम बाद। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है, उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।